एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल। एज़ यू आर ऑल वेरी वेल अवेयर कि अब मैथ्स का क्लास 12th का टर्म 1 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो हमारा जस्ट नेक्स्ट वीक ही है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स पता होने चाहिए दैट हाउ दे कैन स्कोर 40 on 40 CBSE के टर्म 1 एग्ज़ाम में। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ टिप्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे रिविज़न करनी है 1 वीक जितना बचा है कि आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टिप्स। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कि आपको प्रिपेयर करना है यूनिट वाइज वेटेज रिविजन प्लान। कर रहे हो कि आपको कैसे अपने सब्जेक्ट के कैसे चैप्टर्स मैथ्स के आपको प्रिपेयर करना है रिविजन के लिए। सो प्लीज़ उसको एज़ पर द यूनिट वेटेज के हिसाब से ही करो। जैसे कि आपको पता ही है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो कैलकुलस ले रहा है। कैलकुलस 17 मार्क्स का आएगा बोर्ड में। सेकेंड वेटेज जो हमारा ले रहा है वो एल्जेब्रा ले रहा है ऑफ 10 मार्क्स। देन थर्ड वेटेज जो है वो रिलेशन एंड फंक्शंस ले रहा है ऑफ 8 मार्क्स। एंड देन हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग ले रहा है 5 मार्क्स का। सो आपको पता ही है कि ये वेटेज ले रहे हैं। सो आप इम्पॉर्टेंट वेटेज जो है और सबसे ज़्यादा वेटेज कैलकुलस ले रहा है। तो ये पॉइंट याद रखो कि कैलकुलस में आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी कैलकुलस में ही होनी चाहिए। आप जब कैलकुलस की प्रैक्टिस कर रहे हो और उसकी अंडरस्टैंडिंग गेन कर रहे हो रिविजन करके, तो कुछ टॉपिक्स जो आपको बताइए जो आपको कवर करने हैं वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो उसके अंदर आता है, डेरिवेटिव्स कंपोजिट फंक्शंस के, चेन रूल हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव्स निकालना या लॉग एक्सपोनेंशियल के। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर की रिविजन करनी है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेंजेंट नॉर्मल्स और मैक्सिमा मिनिमा की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। वेटेज के अकॉर्डिंग अगर रिविजन प्लान कर रहे हो तो कैलकुलस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि कैलकुलस ही मोस्टली पेपर में कवर होगा। रिमेंबर दैट। और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना रिविजन प्लान प्रिपेयर करो। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप आपको जो याद होनी चाहिए इज़, तो आपको पता ही है कि आपका इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में MCQs के बेसिस पे आ रहा है, आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं आ रहा। तो प्लीज़ रिमेंबर कि आपको एक MCQ को इफेक्टिवली क्रैक करने के लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। बेसिकली जब आप मैथ याद रखना ये पॉइंट कि मोस्टली स्टूडेंट्स का ना बोर्ड में पेपर होता है और उनका पेपर अगर अच्छा नहीं जाता तो उसका बेसिक रीज़न होता है वो होता है कि बच्चों का पेपर छूट जाता है, बच्चे अपना पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते। तो ये पेपर याद रखना अपने माइंड में जब आप पेपर देने जाओगे अबाउट द डोंट वेस्ट टाइम मंत्र। इसका मतलब ये है कि आप जब सर्टेन क्वेश्चंस जो होते हैं पेपर में, किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में, नॉट जस्ट मैथ्स, किसी भी पेपर में आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं जो आपके इजीली विद इन अ मिनट सॉल्व हो सकते हैं। आपके पास जब रीडिंग टाइम होगा, इनिशियली 30 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम होगा आपके पास पेपर से पहले, उस रीडिंग टाइम पे उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लो कौन से क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो सकते हैं। सो जब आप पेपर सॉल्व करने जाओ सबसे पहले वही वाले क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो ताकि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम बच जाए एंड आपके पास मोर देन इनफ टाइम हो कि आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सको। प्लीज़ रिमेंबर दैट। ओके, नेक्स्ट टिप जो है आपकी ये है कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि आपको पता है MCQs जो है, आप लोगों को, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि चलो MCQs है, अब सब्जेक्टिव पेपर नहीं आएगा तो हमारे लिए अच्छा है। बट प्लीज़ आई बिलीव कि MCQs पेपर आप लोगों के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट इन द सेंस ज़्यादा ईजिली स्कोर करने वाला नहीं होता। बिकॉज क्या होता है कि आप जब रिटन एग्जाम सब्जेक्टिव पेपर दे रहे होते हो तो जो आपका इन्विजिलेटर पेपर चेक करता है, आपका पेपर चेक करने के टाइम पे वो आपको मार्क्स देता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेप्स दैट यू हैव परफॉर्म्ड। कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको पता होता है कि बेसिक कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करने है, क्या क्राइटेरिया, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लेकिन एंड पे आके उनका आंसर गलत निकल जाता है। तो उस केसेस में क्या होता है, उनको नंबर मिल जाते हैं, बट MCQs में ऐसा नहीं होने वाला। तो प्लीज़ रिमेंबर कि ये MCQs जो पैटर्न आपके लिए है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट और एज अ डिसएडवांटेज नहीं है, अच्छा है। बट प्लीज़ बी केयरफुल वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। बिकॉज क्यों, जब आप MCQs का पेपर देखोगे, क्वेश्चन पेपर में ये होगा कि आपका जो डिफरेंट होगा ना आंसर्स में, ऑप्शंस ABCD में, उनके अंदर जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर 3.2 है, तो ज़रूरी नहीं आपको 3.2 अगर एक ऑप्शन में दिया है तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको 5.6 या कुछ ऐसा दिया होगा, इतना डिफरेंस नहीं होगा। दे कैन ऑल्सो भी लाइक 3.1, 3.2, 3.3 एंड देन यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना, इन केस यू आर नॉट कॉन्फिडेंट क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करो, चेक करो। तो जब क्वेश्चन के साथ, आंसर के साथ आप कॉन्फिडेंट हो, हाँ मुझे पता है यही आंसर है, देन ओनली उसको करेक्ट करना। टिक। ओके। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास कि आपको बताइए, जैसे मैंने बोला कि एमसीक्यू पेपर है तो डोंट ट्राई टू सॉल्व द सैम्पल पेपर सब्जेक्टिव वाइज, प्रैक्टिस करना एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के साथ। बहुत सारी साइट्स में आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन बैंक्स दिए होंगे सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए, तो गो विद दैट, ताकि आपको एमसीक्यू स्ट्रैटेजीज पता हो कि कैसे आपको करनी है और आपके पास इनफ प्रैक्टिस और स्पीड, इनफ प्रैक्टिस हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ताकि आप एक स्पीड प्रिपेयर कर सको। अब जैसे कि आप एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो एमसीक्यू का, तो जस्ट पेपर को सॉल्व करने से पहले टाइमर सेट कर दो उस अकॉर्डिंग जितना आपका बोर्ड का टाइमिंग है, ताकि आपको पता हो कि आप उतने टाइम ड्यूरेशन में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा कि कैसे आपको बोर्ड में एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है आपके पास कि आपको डेली टाइम शेड्यूल करना है एक चैप्टर के लिए, हर एक चैप्टर के लिए ईजिली टाइम शेड्यूल करना है। ये नहीं हो कि आप कैलकुलस में ही लगे हुए हो। मैंने आपको बोला कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस नहीं करना। येस इट इज़, वो इम्पॉर्टेंट है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जो लीस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट चैप्टर है आप उसको प्रैक्टिस ही ना करो, बिकॉज वो भी पेपर में आ ही रहा है, 5 मार्क्स का आ रहा है, बट लीनियर प्रोग्रामिंग आ ही रहा है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग की भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो हर टाइम शेड्यूल करो हर एक चैप्टर का, क्योंकि आपकी रिविजन हर चैप्टर की, हर यूनिट की ईजिली कवर हो जाए। नेक्स्ट एंड द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चंस में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आपको फॉर्मूला पता हो ना तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होता तो आप क्वेश्चन छूट जाता है। तो क्या करो, अब जो लास्ट वीक है आपके पास, हर चैप्टर के फॉर्मूलाज एक जगह पे लिख लो, उसको नोट डाउन कर लो और उसको एक जगह पे अपने घर पे ऐसी जगह पे पोजीशन पे प्लेस कर दो जहाँ पे आप उसको रेगुलरली देख सको और उसको प्रैक्टिस कर सको, ताकि जब आप उसको डेली देखोगे ना आपको याद हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपको, जैसे कि किसी फॉर्मूला में आपको डिराइव करना होता है, जैसे कि आपको आपको बाई चांस ऐसा हो कि आप साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भूल गए, कि आपको याद ही नहीं आया कि वो 1/√1 - x² है, तो उस टाइम पे क्या करोगे आप बोर्ड में, आप उसको डिराइव करके देखोगे, सॉल्व करोगे, उसमें आपका कितना टाइम जाएगा। अगर आपको ईजिली पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x² होता है तो आपको उसको लिख दोगे डायरेक्ट, तब आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप एक फॉर्मूलाज को, अपने जो भी चैप्टर के फॉर्मूलाज है सारे एक जगह पे प्लेस कर लो और उसको रेगुलरली देखते रहो। सो दीज आर दैट इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप पेपर से देने से पहले रिमेंबर करना। एंड आई होप इट इज़ क्लियर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड इन केस मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में रिविजन के टाइम पे डाउट है, नहीं सॉल्व हो रहा, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं वो कवर करवा दूंगी बोर्ड से पहले। ओके, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।